हाँ, अब बच्चे किस प्रकार सबसे हो जो है रिव्यू पे नंबर नंबर चाहेंगे आप करने की कोशिश, लेकिन 100 तो हो ही जाएंगे अगर तैयारी मोटा मोटा देखें। अगर किसी भी कर रहे हो साइकोलॉजी पे बस, क्योंकि 80-85 नंबर सिलेबस के 85 नंबर जो है सिलेबस, मतलब वो साइकोलॉजी का ही है। अपने पीबी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर वर्क तो ऊपर एक चलती थी हिंदी का जो तो संस्कृत मन, मतलब मन अपनी इच्छा से, लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी ये मुझे हिंदी या करनी है नहीं, मतलब स्लाइड नहीं है, चाहे आप एक से लगाकर 50 तक क्वेश्चन रहेंगे, या आपको कि 33 पार्ट होंगे, एक बंडल जो होगा वो 30 प्रश्न का होगा, तो आप सरकार से चूज करें कि अगर यदि आपको हिंदी तो, अब जैसे मेरे फर्स्ट क्वेश्चन था तो मैंने संस्कृत खोला पहले प्रश्न, तो मुझे मालूम मुझे संस्कृत में नहीं करनी, थोड़ी सेकंड जो अपने थोड़ा जो है पहले हिंदी कर लेते हैं, वो जो डिसाइड किया था पहले ये वाला पार्ट करेंगे वो करेंगे उस अनुरूप, मैंने डायरेक्ट 31वां क्वेश्चन ट्राई किया तो हिंदी का निकल, इसी प्रकार जब मालूम था मुझे गणित का तो फिर अगला वाला 61 इस प्रकार से करता गया, तो वो जो मेरा मन इच्छिक जो मेरे को जो क्या मतलब रणनीति होती है ना परीक्षा को जो एग्ज़ाम की, वो उसको करते जाए, और साथ में जो है हौसला अपना ये डीमो चालत में रखना है। और सबसे पहले तो आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आप डेली जो है हम रिव्यू भी देखते थे, और इससे जो है एक तरह से वाले कुछ जो भी पेपर होते हैं वो एक तरह से अपने को आइडिया मिल रहा है कि प्रश्न किस पर आ रहे हैं, और जो रिव्यू के माध्यम, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आ रहे। और एक थोड़ा सा निवेदन ये है कि ये अब ये जो भर्ती लगभग 11,000 पद पे जो है घोषणा भी कर दी है, तो इसको नहीं 13,000 में से वर्ग 3 के 11,556 पद है, तो इसको टुकड़े टुकड़े में न करते हुए एक साथ करें, और शिक्षा विभाग में शिक्षक तो वो भी मुद्दा जल्द से जल्द करने को ऐसे जो है। मैं तो मुद्दा हटा दूं, सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ेंगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे, मैंने शुरुआत से देखा लगभग 5 तारीख से जब शुरुआत हुई तो आपके सब्सक्राइब में जो है वो इजाफा जब एकदम के रूप में बहुत बहुत बिल्कुल हुआ, और तो जल्दी आप भी हाँ। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि चाहे नंबर कैसे हो सकता है कि बहुत सारों को जो है डिमोटिवेट हुए कि नंबर तैयारी करते हैं, लेकिन बात विशेष ध्यान रखें कि अब परसों मैंने देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री उन्होंने ये करी है कि ये 13,000 उसके बाद 10,000 करने, और चुनावी साल है तो निश्चित रूप से भर्तियाँ होगी होगी, तो आप लेते हुए जो गलती करी वो आगे दोहरा ही नहीं, और इससे तो निश्चित रूप से करें तो बिल्कुल आपको जो है परिणाम मिलेगा, इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा, तो आगे जो है इसको करते रहे। और ठीक है, थैंक यू, अच्छे से रिव्यू दिया 5 नंबर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। कितना नंबर था? 74। इधर आइए, क्या आपकी ओबीसी कैटेगरी सर? कैसा था आज का पेपर सर? कैसे मुझे अच्छी लगी मैथमेटिक्स, अच्छी इसके बाद अच्छी लगी सर मुझे हिंदी, हाँ हिंदी भी अच्छी लगी। थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड क्या है? मैथमेटिक्स में तो वर्गमूल के थे, और एक संबंधित सवाल थे, अनुपात संबंधित थे, ग्राम से संबंधित सवाल थे, इस प्रकार के सवाल पूछे थे उन्होंने। जी सर। और ईवीएस में किस? ईवीएस में वो सन से संबंधित थे, और एक बायोलॉजी ज़्यादा, बायोलॉजी के 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा थे सर। थैंक यू, है ना। और पूछ ले सर, पेपर था आपका महोदय? मैम पेपर था आपका? मैम 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 पेपर था आपका? पेपर था नहीं था अभी? और किसका पेपर था? वो है मैम, मैम आ रहे हैं, मैम आ रहे हैं, पूछ लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। महोदय पेपर था आपका? कितना स्कोर आपका? 78। कौन सी कैटेगरी? SC। कैसा था पेपर आज का? बालू ज़्यादा टफ। भैया पेपर था? पेपर था मैम? मैम तो बताएं और क्या क्या पूछा गया? बस मैथ ठीक थी, ज़्यादा टफ नहीं थी, बाकी काफ़ी, और जो पहले चंद्रयान वाले को थे वो हट गए। अब ठीक है, और पूछ लेते हैं। मैम पेपर था आपका? मैम पेपर था? नहीं था। नहीं है वो लगा होता पीबी का? नहीं नहीं लगा हुआ। ठीक है, थैंक यू भैया। आपका था पेपर? नहीं भैया पेपर था आपका? ठीक है, हो गया। कितना स्कोर किया आपने? कितना कितना स्कोर? 75। अच्छा बता दिया है ना सेकंड बार में। भैया पेपर था आपका? अरे सब निकल के देखें। मैं आपका पूछ लिया आपने तो, आपका तो हो गया ना रिव्यू, तो देखा जाए तो आज का पेपर भी वो थोड़ा टफ था, और CDB भी थोड़ा लेवल का था, मैथ्स और संस्कृत
अच्छी खासी पूछ रहे हैं और इस मार्क से ही मेरा संस्कृत की वजह से का हाइस्ट मेरे को आज यहीं 105 हाइस्ट मिले हैं और 103 वाले भैया विमज कहते हैं और 105 भैया भी थे ऊपर कोई नहीं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड से जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।